ट्यूबलाइट के ट्रेलर ने रिलीज होते ही हर तरफ लाइट कर दी है। इस ट्रेलर में चाइनीज एक्ट्रेस झूझू की कई झलक देखने को मिली, पर क्या इस खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में ये दिलचस्प बातें आप जानते हैं? वेल, बॉलीवुड स्पाइस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाए हैं झूझू से जुड़ी ये दिलचस्प बातें। अगर आज झूझू एक्ट्रेस ना होती तो शायद वो किसी आईटी फर्म में काम कर रही होती। जी हाँ, झूझू ने बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पर मेजर्स किया है। जब झूझू 25 साल की थी, उन्होंने एमटीवी चाइना ज्वाइन किया। वो चाइना के डोमेस्टिक एमटीवी नेटवर्क पर म्यूजिक शोज होस्ट करती थी। झूझू को टैलेंट स्काउट ने तभी डिस्कवर किया जब वे बीजिंग में हुए एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट में थर्ड आईं। 2010 में झूझू ने अपना डेब्यू किया फिल्म व्हाट वुमन वांट से, जहां वो एंडी लाओ और गोंग ली के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आईं। साल 2012 में झूझू लापो एल खान को डेट कर रही थी, हालांकि 2013 में ये दोनों अलग हो गए। तो दोस्तों, झूझू की जिंदगी के इन अनजाने पहलुओं के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शाहरुख खान की फिल्म फैन तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में गौरव का पागलपन अब शाहरुख को असल जिंदगी में देखने को मिला। यूं तो बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शाहरुख के फैन हैं, पर इस फैन ने कुछ ऐसा किया कि सहम गया शाहरुख का पूरा परिवार। दरअसल नासिक के रहने वाली तीनों नाबालिग बहनें शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई आ गई और सीधा पहुंच गई शाहरुख के घर मन्नत में। आपको बता दें, जब ये तीनों गायब हुई थी तब इनके घर वालों ने नासिक पुलिस को इत्तला किया था और बाद में नासिक पुलिस ने थाने पुलिस को संपर्क कर इन तीनों के बारे में बताया भी था। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सब कुछ छान मारने के बाद पुलिस को ये तीनों शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर मिली। इसके बाद पुलिस ने इनका काउंसलिंग कराकर इन्हें इनके माता पिता को वापस सौंप दिया। मतलब किंग खान के लिए इन तीनों की दीवानगी इनके परिवार वालों को महंगी पड़ गई। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और जरूर कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे।